अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आपके साथ एक और चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी। सो आज हम बनाएंगे रेनी डे स्नैक ब्रोकली के पकोड़े। सो हमें ब्रोकली चाहिए है, देन इसमें ग्रीन चिलीज हैं, मिंट है, कोरिएंडर है, उन सबको अच्छी तरह चॉप कर लेना है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ही हमें चाहिए है गरम मसाला। 2 कप्स बेसन चाहिए होगा हमें। सो चलें बनाते हैं ब्रोकली के पकोड़े। सो अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए एक डीप बाउल ले लें और वन बाय वन अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम हसबे ज़रूरत पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम बिस्मिल्लाह करके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह इनको ब्रोकली को डिप करके बेसन में देन हम डीप फ्राई करेंगे। हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अच्छी तरह, ताकि ब्रोकली जो है वो अंदर से भी पक जाए। और अब हम इसको फिर चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। मैंने वही चटनी यूज़ की है जो मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी, उसी को योगर्ट में भी ऐड किया है और वो ऐसे भी सर्व की है, साथ टमाटो केचप है। अब ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे बताना कैसी लगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।